दोस्तों लावा ब्लेज 2 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है, जो कि एक 5G फोन। और सच कहूं तो इस फोन के लॉन्चिंग को लेकर काफी सारे लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से लावा बहुत अच्छा काम कर रही है, अपने स्मार्टफोन को अच्छी प्राइस पर लेके आ रही है। और इस वाले फोन के बारे में बात करते हैं तो ये भी फोन अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया गया है। 999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है दोस्तों, और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो फोन मुझे अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लावा इस फोन के अंदर वो सारी चीजें आपको ऑफर कर रही है जो आप इस प्राइस पर एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप इस फोन को खरीदने का विचार कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये फोन नहीं लेना चाहिए। अब क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या कारण है, इस वीडियो के अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अपने इस भाई को सपोर्ट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, तो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर 6.56 इंच का एक HD+90Hz IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, जहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाते हैं, एंड पीछे की तरफ यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। 5000 mAh की इस फोन के अंदर बैटरी दी गई है दोस्तों, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है, फोन के अंदर 3.5mm जैक दिया गया है, माइक्रो एसडी कार्ड के स्लॉट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और सिंगल स्पीकर के साथ ये फोन आता है। वैसे 5G फोन है, इस फोन के अंदर 8 5G बैंड का सपोर्ट भी दिया गया है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है दोस्तों, जहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस मिलेगा। और लावा ने ऑफिशियली कन्फर्म करा है कि इस फोन के अंदर आपको 1 साल के OS अपडेट एंड 2 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिलेंगे। लास्ट में गाइज हम अगर इसके परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मीडियाटेक का डायमंडसिटी 6020 वाला प्रोसेसर लगा है, जहाँ पर UFS 2.2 वाले स्टोरेज दिए गए हैं, एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 4GB 64GB और 6GB 128GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है दोस्तों 4GB 64GB उसकी प्राइस 9999 रखी गई है, एंड सेकेंड मॉडल को 10999 का लॉन्च किया गया है, मतलब 10,000 और 11,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। तो अब यहाँ पे सवाल निकल के यह आता है कि हमको ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों, अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर पोको M6 Pro का भी 4GB 64GB वाला मॉडल 10,000 रुपये के अंदर में ही मिल रहा है, मतलब 9,999 रुपये में वो भी फोन आप खरीद पाओगे, जहाँ पर आपको इससे अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। फुल HD+ रेजुलेशन का वहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है, और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वाले प्रोटेक्शन भी लगे हुए हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस भी उसका थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि उस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 4Gen 2 वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, एंड पोको ने ऑफिशियली कंफर्म कराया कि उस फोन के अंदर आपको 2 साल के OS अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेंगे। तो ये 3 चीजें लावा ब्लेज 2 से पोको M6 Pro के अंदर बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, इसलिए मैंने कहा कि आपको फिलहाल ये फोन नहीं लेना चाहिए। इसकी जगह पे अगर आप पोको M6 Pro को परचेस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हो और लावा ब्लेज 2 के बारे में क्या सोचते हो, हमको कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।